जिस बिजली को यूज करने के लिए आपको बस एक बटन दबाना पड़ता है, कभी सोचा भी है कि आपके घर तक उस बिजली का पहुंचना कितना शानदार प्रोसेस है? बिजली पाने के लिए पावर प्लांट पर हम एनर्जीज जैसे कि हाइड्रो, न्यूक्लियर, थर्मल एक्सेट्रा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं। यहाँ 11,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद बिजली, पैसा और वक्त बचाने के लिए इसकी वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर से 20,000 वोल्ट तक बढ़ाया जाता है और एल्यूमिनियम से बनी कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स वायर्स या ACSR के थ्रू आगे भेजा जाता है। अब क्योंकि पावर स्टेशन हमारे घरों से बहुत दूर होते हैं, तो एक ही केबल को स्टेशन से सभी घरों तक डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हर तय दूरी पर ऐसे ट्रांसमिशन टावर्स लगाए जाते हैं जो केबल्स को आपस में इस तरह से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी को सबस्टेशन तक पहुंचाते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज है, लेकिन इतनी हाई वोल्टेज के साथ घरों में नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वोल्टेज कम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को पहले सबस्टेशन पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से और बाद में डिस्ट्रीब्यूटर पोल से गुजरना होगा। भारत में वोल्टेज 230 वोल्ट्स और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तक करने के बाद फाइनली केबल्स के थ्रू आपके घरों तक पहुंचती है। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हैं तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।